बोल दो 30 है। 30 है। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, बात कुछ इस तरह है कि हर बार जो मैं इंट्रो शुरू करता हूँ इसी जगह से शुरू करता हूँ, और क्योंकि ये मेरा जो है ना ये इंट्रो एरिया है ये सारा। और अभी ये है कि जा रहे हैं मंसूर भाई के साथ, और उधर से जाएंगे फिर जी टेन क्यों जा रहे हैं? जी टेन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ई कॉमर्स का कोई सेमिनार है वो अटेंड करना है, क्योंकि मंसूर भाई आजकल वो अमेज़ोन कर रहे हैं तो ऑफिस भी बनाया हुआ है उनका, वो भी सेटअप टूर कराएंगे आपको। अभी फ़िलहाल जाएंगे मंसूर भाई के पास, उधर से उनके साथ जाएंगे G10 सेमिनार अटेंड करने। अभी फ़िलहाल चलते हैं उधर। और दूसरा ये है कि पिछली बार भी हुआ था पिंडी में, तो मैं उसाम भाई और आदल बाजवा गए थे, तो ये है कि आज जो हो रहा है वो हम तीन जा रहे हैं, मैं आदल भाई, हमारे पास दो आदल हैं, तीन, एक आदिल चौधरी है, एक आदिल बाजवा है और एक आदिल जहांगीर। चाचा जी जूस वाले जो हैं वो पता नहीं कोई काम कर रहे हैं, और आदिल भाई साथ माल्टे काट रहे हैं। ₹250 का गिलास है, चाची ने बोला है कि इसमें 100 रुपये का खर्चा है और 150 रुपया बचत है एक गिलास में। मैं तो कहता हूँ रेडी लगा लेते हैं, आगे आम का सीज़न भी आ रहा है। ये जो इस्लामाबाद का ब्लू एरिया सेक्शन है ना, तो वो तकरीबन यहाँ तक आया है, ये F10 के रोड तक ठीक हो गया, ये फैसल एवेन्यू तक था ठीक है, उसके बाद जहाँ सनटोरस है, लेकिन वो लंबा रूट अभी बना रहे और ये यहाँ तक ऑलमोस्ट ब्लू एरिया यहाँ तक पहुँच चुका है ठीक है। तो इस पर भी दौरान आइए, तो वैसे ही जगह पड़ी हुई थी ना किसी को, वैसे ही जो ना तरफ इशारा थे जंगलें बनी हुई थी, बहरहाल इन्होंने कटाई की है, ब्लेडिंग की है, तो बहरहाल इसको अभी ज़बरदस्त बनाएंगे इंशाल्लाह। और इस्लामाबाद में जो है ना दिन ब दिन तरक्याती काम जारी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है 4-5 साल तक ये सब रेडी हो जाएगा और ये भी एक बिज़नेस हब बन जाएगा। अच्छा जी, तो G10 में पहुंच गए हैं और ऊपर है ऑफिस अमेज़न का, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाती हैं, अभी चलते हैं फिर ऊपर ही, देखते हैं क्या सीन है। अच्छा जी, तो अभी हम आ गए हैं जहाँ पे सेमिनार है G10 में, तो मैं कैमरा लेके अंदर आया हूँ, तो भाई जान मिले हैं जो ये हैंडल कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं सारा, तो इन्हीं से पूछते हैं। ये जो आज का डेमो है, सेमिनार हो रहा है, वो बेसिकली आपका ई कॉमर्स पे हो रहा है, अमेजोन से लोग कैसे अर्निंग करते हैं ठीक है, किस तरीके से आपने अपनी अर्निंग को डॉलर में कन्वर्ट करना है, फ्री लांसिंग उसमें अमेजोन भी है, ईबे भी है, आपका वॉलमार्ट भी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ठीक है। तो ये आपकी एक्सक्लूसिव जो ट्रेनिंग है ओवर द पाकिस्तान, वो ई स्किल वाइजर ये जो हमारा मरकज़ है G10 मरकज़ में हमारी ब्रांच है, वहाँ से एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग आप अमेज़ोन की ठीक है, वो हमारी यहाँ से हम इसको लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली इस जो आज का सेमिनार है इसका मकसद भी यही है कि लोगों को बताया जाए कैसे उन्होंने अपनी अर्निंग को डॉलर में कन्वर्ट करना है, बेसिकली मकसद ये है इस सेमिनार का ठीक है। इसमें आपकी हमारी जो ओवर द मार्केट आप फीसेज हैं उससे बिल्कुल हमारी रीज़नेबल फीस है ठीक है। बाकी हमारा कुछ नया क्या है ठीक है, ये तो कोर्स सारे कर रहे हैं, हमारा नया ये है कि हमारे टोटल ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस साथ हम काम करवा रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल नहीं है इसमें, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और यहाँ से आपको बिजनेस स्टार्ट करवा के आपको भेजते हैं, बिजनेस कैसे आपने या अपना कर लें स्टार्ट, या आपने किसी क्लाइंट का कर लें लाइक फ्रीलांसिंग ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करवा के उसको भेजते हैं कि कैसे आपने बिजनेस रन कैसे करना, प्रॉपर एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ उसको एक ट्रेनिंग दी जाती होती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्लासेस का शेड्यूल ये है कि आपको 1.5 घंटा वहाँ पे एक मेंटोर प्रैक्टिकल करके दिखाता है, उसके बाद 1.5 घंटा आपको वो प्रैक्टिकल आपने उससे उसने आपसे करवाना होता है ठीक है। सो जितना भी टाइम आपका होता है, एक लाइक एक मैंने आधा घंटा 1.5 घंटे की क्लास ली है, उस 1.5 घंटे की क्लास को मैंने आपको कहना कि ये टास्क मुझे करके दें। सो इसलिए इस कोर्स की जो क्रेडिबिलिटी है यहाँ से आपको पता चल जाता है, क्योंकि ये टोटल फिर वही अगेन बात आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की तरफ आ जाती है। ई स्किल वाइजर इसलिए मुख्तलिफ है, एक तो हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा ये है कि यहाँ से हम इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, लाइक जॉब प्लेसमेंट दे रहे हैं, एक बच्चे ने 2 मंथ का कोर्स किया है ठीक है, उसके बाद अगर उसके पास इतना पोटेंशियल है ठीक है कि वो आगे किसी का काम कर सकता है, तो हम उसको जॉब प्लेसमेंट दे रहे हैं, जॉब खुद उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये है मेन हमारा जो एक मार्केट का पेन पॉइंट भी यही है कि आपने हर कोई ट्रेनिंग ले ले उसके पास कोई क्लाइंट नहीं मिलते, हम वो क्लाइंट भी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है, इट मींस कि हम जॉब प्लेसमेंट दे रहे हैं।
यहाँ पे जो मेन हमारा करना। दूसरा जो मेन चीज़ है, तीसरी मेन चीज़ वो ये है आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अमेजोन US में सेल कर रहा हूँ, UK में सेल कर रहा हूँ, UE में सेल कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में सेल कर रहा हूँ, आई हैव टू डू ऑडिट, मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, मुझे कंपनी रिन्यू करवा दें। मुझे शौक था पढ़ाने का, PhD मैंने सिर्फ इस वजह से की थी, नहीं तो अदरवाइज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी था। एकेडमिक्स वाले समझते होंगे इफ़ यू वॉन्ट टू बी एन यूनिवर्सिटी यू शुड बी ए PhD डॉक्टर। सो मैंने सोचा कि यार अच्छा ठीक इसको क्यों ना पढ़ाया जाए। सो मैंने बहरीन और दुबई से ये स्टार्ट किया, सेम अपने उसी ऑफिस के अंदर ही एक होम डेलीगेट का ट्रीटमेंट वेल। सो ये था मेरा जर्नी फ्रॉम एसोसिएट प्रोफेसर टू ऑडिटर टू अमेजोन पाकिस्तान आने की रीज़न। अब ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आप गाहे बगाहे मुझे पूछेंगे, सो आई एम आंसरिंग यू नाउ। गलती नहीं होगी गा के। अभी डॉक्टर नुमान मनीर का सेमिनार जो था वो ख़त्म हो गया, और ये सेमिनार था ई कॉमर्स और अमेज़ोन के हवाले से, तो वो ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। बड़े अरसे बाद बोला ये आउट्रो, अल्लाह हाफिज़ जी। चैनल का बताओ, नीचे ऊपर से नीचे आए हो। हाँ भाई, ये ऊपर थे ना ये सेमिनार में, उन्होंने देखा मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ ऊपर, तो नीचे से ऊपर से नीचे आए हैं। 30 है सही है। लिखो स्नैन चौधरी।